नमस्कार। हमारे खान पान की गड़बड़ियों के चलते कुछ विशेष रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है हाइपर एसिडिटी, जिसे आयुर्वेद में अम्लपित्त कहा गया है और जिसे आम जन में एसिडिटी के तौर पे जाना जाता है। एसिडिटी के कॉजेस पे यदि हम बात करें तो समय पे खाना नहीं खाना, ज्यादा मात्रा में खाना खाना, पहले का खाना पचने से पहले ही दोबारा खाना खा लेना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेना, जंक फूड ज़्यादा मात्रा में लेना, एक्सेसिव पैकेज्ड फूड वहाँ ज़्यादा प्रेफर करना, इसी के साथ साथ कोई यदि इंटेस्टाइनल अल्सर है, पेट में वॉर्म्स हैं या किसी के इंडाइजेशन की समस्या है, पहले से ही मंदाग्नि रहती है, भूख अच्छी तरीके से नहीं लगती, तो ऐसे लोग भी एसिडिटी से आमतौर पर पीड़ित रहते हैं। सिम्टम्स की यदि बात करें तो गले में जलन रहती है, चेस्ट में जलन रहती है, पेट में जलन फील रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, कई बार जी मिचलाना भी वहाँ पे लक्षण देखने को मिलता है, वॉमिट होती है, तो बहुत सी विदग्ध टाइप का या खट्टा खाया पिया बाहर निकलता है, तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो हाइपर एसिडिटी में देखने को मिलते हैं। तो वो कौन सी ऐसी पांच चीज़ें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एसिडिटी में? उनमें पहला है बिना फेटा हुआ और बहुत ज़्यादा गर्म दूध। बिना फेटा हुआ और बहुत ज़्यादा गर्म दूध भी एसिडिटी को कॉज करता है। तो यदि हमारे ये ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं हार्ट बर्निंग जैसे, तो हमें इस तरीके का दूध नहीं लेना चाहिए। यदि हम लें तो बहुत फेंट करके और ठंडा करके हमें दूध लेना चाहिए। दूसरा जो है चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल कंजप्शन सबसे बड़े दुश्मन है, हाइपर एसिडिटी कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी स्टमक के अंदर बढ़ा देते हैं, तो हमें इनसे भी परहेज करना चाहिए। तीसरा है बहुत मिर्च मसाले युक्त भोजन, हमारे जो भोजन के अंदर है ऑयल की मात्रा और मिर्च मसाले की मात्रा यदि कहीं ज़्यादा है तो उसको धीरे धीरे करके हमें बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए, ये भी एक एसिडिटी का बहुत बड़ा कॉज है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है खट्टी दही, खट्टी छाछ या सिरके का प्रयोग, तो ये सुक्त की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में खट्टा दही, खट्टा छाछ जो है वो एच पायलोरी का काउंट हमारे स्टमक के अंदर बढ़ा देता है, हाइपर एसिडिटी को कॉज करता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें खट्टे दही, खट्टी छाछ और सिरके इत्यादि के प्रयोग से बचना चाहिए। नींबू पानी का प्रयोग यदि हाइपर एसिडिटी है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमली का पानी, नींबू पानी, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनसे हमें बचना चाहिए। फिफ्थ जो है पॉइंट हमारा वो है दालें। दालें भी एसिडिटी कॉज करती हैं। यदि हम एसिडिटी के पेशेंट हैं, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट हैं, तो हमें दालों के प्रयोग से बचना चाहिए। दालों में श्रेष्ठ है मूंग की दाल, वो वहाँ पर प्रेफर की जा सकती है। इसके अलावा जितने भी दालें हैं उनका प्रयोग कुछ समय के लिए हमें बंद कर देना ज़्यादा हितकर रहेगा। और इसी के साथ साथ पैकेज्ड फूड बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और स्पाइस से भरपूर आते हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके, पॉसिबल हो सके, हमें जंक फूड, पैकेज्ड फूड से बचना चाहिए।